शुक्ला खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। किसान और सरकार के बीच सातवें दौर की बैठक आज, बातचीत से पहले कल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं किसान। राहुल गांधी को राजनाथ का जवाब, रक्षा मंत्री बोले मैं किसान परिवार और मोदी गरीब घर में पैदा हुए, खेती के बारे में राहुल से ज्यादा जानते हैं। 2020 के अंतिम कैबिनेट बैठक में मुहर, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अध्यादेश को मंजूरी, व्यापारियों को नहीं मिलावटखोरों को होगी उम्र कैद। चंदेरी में नहीं रुक रहा है राशन की कालाबाजारी, पंचायत भवन में चल रही शासकीय राशन दुकान, जिम्मेदार लगा रहा है योजनाओं को पलीता। उत्तर में बर्फबारी, मध्य में हवा भारी, एमपी में शीतलहर जारी, 11 शहरों में पारा 7 डिग्री से नीचे रुड़का, दतिया में सबसे ठंडी रात। देश में नए कोरोना के मरीज बढ़े, ब्रिटेन की उड़ानों पर रोक, 7 जनवरी तक बढ़ाई गई कोरोना का नया स्ट्रेन, अब तक 20 मरीजों में मिला है। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर शहडोल से, जहां पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान अपराधी गुंडों बदमाशों के खिलाफ अभियान का असर शहडोल में दिखाए। पिस्टल व देशी कट्टा लेकर घूम रहे धनपुरी के दो बदमाशों को बुढ़ार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोइन के पास से पिस्टल व जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। हारून कुरैशी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, पुलिस अधीक्षक अशोक गोस्वामी के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। गुंडों बदमाशों के खिलाफ जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे, उसमें कल काफ़ी प्रभावी कार्रवाई जिले में की गई। बुढ़ार में एक सूचना पे कॉलेज तिराहे के दो व्यक्तियों से, एक से रिवाल्वर और एक से पिस्टल बरामद हुई है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने, धनपुरी के बदमाश हैं वो, कि उन्होंने ये कहाँ से प्राप्त किए, जिससे कि आगे और इसमें आगे कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा कल 57 आत्तन अपराधियों के विरुद्ध धारा 110 में कार्रवाई की गई। खबर चंदेरी के नदेरी ग्राम पंचायत से है, जहां पर सरपंच ने हमारी पंचायत भवन में जबरदस्ती से राशन माफिया अपनी दुकान संचालित कर रहे हैं। प्राणपुर सेवा सहकारी समिति द्वारा संचालित ग्राम पंचायत नडेरी के शासकीय राशन दुकान अवैध तरीके से ग्राम पंचायत में चला रहे हैं। सरपंच ने बताया कि समिति का मुंशी अपने रिश्तेदार से दुकान चलवा रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। वहीं जब नगावार, शंकरपुर, हरिपुर के आदिवासियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमें शासन द्वारा दिया जाने वाला राशन पूरा नहीं दिया जाता और पैसे भी ज्यादा वसूले जाते हैं। तेल कितने रुपए लीटर देते हैं? 40 को अबे तो 40 को सूत्र है। 40 को देते एक लीटर दे दे कूपन पे। और एक लीटर दे तो ना ज्यादा मिला। चावल दानन्या महीना बगन ले चावल आनन्या ऊपर। चना खुद नहीं दाल ना चना दाल। चना जैसे ही नहीं बात। कितने महीने से नहीं दिया चावल और चना? हमें साहब एक 26 किलो गेहूँ और एक पुड़िया नवाब की, एक किलो तेल माटी को, और एक किलो शक्कर, और 26 किलो गेहूँ निकल रहा है। कितने पैसे लेते हैं आप? 90 रुपया और 30 रुपए जो किराया लगा। मोदी जी ने जो फ्री मैंने राशन दिया वो मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अभी मेरे पास इस संबंध में कोई भी शिकायत नहीं है, ना ही इस संबंध में कोई सीएम हेल्पलाइन आई है। अगर ऐसी कोई शिकायत है तो मैं वहाँ जाके जांच करूंगी क्या स्थिति है। सीधी जिले में तहसीलदार व नायब तहसीलदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान वह राजस्व के सभी कार्यों का बहिष्कार करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ भोपाल द्वारा मुख्यमंत्री को पूर्व में एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें सुरक्षा की मांग को लेकर सार्थक कार्रवाई करने की मांग की गई। राजस्व अधिकारियों की मांग थी कि सतना जिले के उचहरा में नायब तहसीलदार शैलेंद्र बिहारी शर्मा पर जानलेवा हमला करने वाले नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया जाए।
कई जगहों पे जो इनके नायब तहसीलदार या तहसीलदार के साथ जो दुर्व्यवहार हुए हैं तो उसके संबंध में है कि वहाँ कार्रवाइयाँ हों। और वो तो इंसिडेंटल था, वो ऐसा कहीं नहीं था कि किसी ने धमकी दी हो और फिर कार्रवाई हो गई हो। तो अचानक की चीज़ें अलग हैं, वो मतलब अनकंट्रोल्ड वो परिस्थितियाँ अलग थी। और जो जिन्होंने उसमें ये आघात किया था वो लोग भी पकड़े गए, बहुत जल्दी पकड़े गए। और कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ भोपाल मध्य प्रदेश के उसमें दिनांक 28/12/2020 से अनिश्चितकालीन बहिष्कार की घोषणा की गई है। इसके संबंध में जिला सीधी के समस्त तहसीलदार नायब तहसीलदार भी अनिश्चितकालीन बहिष्कार के संबंध में आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। इसके पूर्व भी ज्ञापन दिया गया था कि अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो जो नारदेव नगर पालिका में वार्ड क्रामक 5 संधि कॉलोनी में रिंकू बनानी के घर से संतोष गोदवानी के घर तक पेवर ब्लॉक फोल्डरिंग का कार्य ठेकेदार ज्योतिपति बडोनिया द्वारा किया गया, जिसकी गुणवत्ता के विरुद्ध वार्ड के निवासी सन्नी गोदवानी द्वारा नगर पालिका एवं लिखित में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई, लेकिन नगर पालिका अधिकारियों द्वारा शिकायत की जांच किए बिना ही फर्जी निराकरण डाले जा रहे हैं, जिसमें कभी शिकायत को देवेशपूर्ण भावना से हुई तो कभी काम की जांच के बिना ही कार्य स्पेसिफिकेशन के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक किए जाने की बात कही जाती है एवं शिकायतकर्ताओं को नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा फोन करके शिकायत बंद करने के लिए भी दबाव बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके मंडला कान्हा नेशनल पार्क पहुंची, साथ ही साथ राज्यसभा सांसद संपतिया उइके नेशनल पार्क पहुंचकर कलाकारों की कलाकृतियों को न सिर्फ देखा बल्कि कलाकारों को उनके हुनर के लिए सराहा भी है। कलाकारों के उत्साहवर्धन के लिए उन्होंने पुरस्कार राशि की भी घोषणा करी है। आपका 29 दिसंबर की देर शाम लगभग 6 बजे करीब भरवेली मॉल ऑयल में IMB प्लांट में अचानक से आग लग जाती है, जहां आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। प्लांट में एकाएक आग के शोले उठने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि इस आगजनी की घटना से किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है, लेकिन इस घटना से मशीनरी को काफी नुकसान हुआ है। चंदेरी अनुविभागीय अधिकारी विजय यादव और मुख्य नगर पालिका अधिकारी पटेरिया प्रशासनिक अमले के साथ चंदेरी सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल में मरीजों के बेड पर चादर कंबल उपलब्ध नहीं मिले, जबकि कुछ दिन पूर्व भी अस्पताल को मरीजों के लिए नए कंबल उपलब्ध करवाए गए थे। इसके अलावा निरीक्षण में सफाई व्यवस्था भी बदहाल मिली, जिस पर SDM विजय यादव ने अस्पताल के लापरवाह कर्मचारियों पर नाराजगी बताते हुए उन कर्मचारियों को नोटिस देने की बात कही गई। इसके अलावा SDM यादव ने कहा कि जो कर्मचारी अस्पताल में अनुपस्थित रहते हैं उनके उपस्थिति रजिस्टर की मॉनिटरिंग की जाएगी, अगर वह अनुपस्थित रहते हैं तो उनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
कमियां पाई गई हैं? कुछ अनियमितताएं मिली हैं, जैसे कि साफ सफाई का अभाव देखने को मिला है, और उसमें जानकारी मिली है कि ठेकेदार को यहाँ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो उसके कर्मचारियों द्वारा सफाई नहीं दी जा रही है। मामला मैंने संज्ञान में ले लिया है, देखते हैं कि उसमें उस प्रकरण में है क्या। अगर वो ठेका दोषी पाया जाएगा तो उसका टेंडर रद्द किया जाएगा। दूसरा, जो मैंने यहाँ 55 कंबल मंगवाए थे, अभी रोगी कल्याण समिति की बैठक में निर्देश दिया था, कंबल भी आ गए लेकिन मुझे कंबल बेडों पर नहीं मिले हैं। किसानों को उसकी उपज सही दाम में मिले, इसके लिए जरूरी है कि उपज को सीधी मंडी या फैक्ट्री तक पहुंचवाया जाए, जिससे बीज के आढ़तियों को मिल रही कमीशन को बचाकर उसे किसानों के ही वितरित कर दिया जाए। इसी कड़ी में अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ विकासखंड के 13 ग्रामों में 13 आजीविका महिला उत्पादक समूहों का गठन किया गया, जिसमें 196 सदस्य हैं। वही 3 समूहों को 1 साल की अवधि के लिए 6 लाख रुपए का लोन संकुल संगठन के माध्यम से उपलब्ध करवाया गया। वहीं समूहों को जारी राशि के माध्यम से समूह द्वारा ग्राम स्तर पर व्यापारिक एवं खाद्य फसलें जैसे कपास, गेहूं, सोयाबीन, मक्का आदि की खरीदी कर आसपास के मंडी धार जिले के कुक्षी, गुजरात के बडेली सहित अन्य क्षेत्रों में विक्रय किया जाए, जिससे उन्हें 40,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा भी मिल चुका है। वहीं समूह द्वारा गांव में किसानों से खरीदी करने से उन्हें बाजार से ज्यादा दाम मिल रहे हैं। वहीं उनके आने जाने का खर्च के साथ समय भी बच रहा है। वहीं नगद राशि मिलने से ग्रामीण भी खुश हैं, समूह के सदस्य को भी लाभ मिल रहा है। पचास कंटूल गहूँ खरीदे ना, 50 कंटूल कपास, अरे काय सोयाबीन भी छे, सोयाबीन 1 कंटूल, मक्का 2 कंटूल, गहूँ 50 कंटूल। हाँ। जिला पंचायत सीओ संस्कृति जैन मैडम के निर्देशन में उदयगढ़ विकास खंड में 13 आजीविका उत्पादक समूह का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर खरीदी करना है, जिसमें गांव वालों को उनके उपज का सही मूल्य मिले, साथ में समय और श्रम की बचत हो। सीधी जिला अस्पताल में प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल में हंगामा मच गया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया, पैसे मांगने के भी आरोप लगाए। गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल में शव रख कर हंगामा भी किया। महिला डॉक्टर के खिलाफ थाने में शिकायत की गई है। सीधी जिला अस्पताल में डॉक्टरों के लापरवाही के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। कल शाम को एक गर्भवती महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा था, जहां पर परिजनों ने लगाया है डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। आधी रात को प्रसूता महिला और बच्चे के गर्भ में मौत हो गई है। वहीं गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया है, जहां महिला डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की गई। वहीं एसडीएम के समझने के बाद ही मामला शांत हो पाया है। चार महीना से यहाँ दवाई चलती रही, तो घरे गए तो उल्टी हो गई, तो फिर पुल के दूसरे काल रात भर रही नहीं, तो पुल लेके आन उनके लगे हाँ, तो कहा ना उसे दिखी हम कहा डॉक्टर साहब हुआ तो मैंने 26 तारीख का मांगे रही थे 40,000 रुपया, 40,000 रुपया देगा तब हम एक वह करो। जो मृतिका है उनके परिजन के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, आरोप लगाते हुए कि डॉक्टर है मृतिका खरीदी के द्वारा पैसे की मांग की है, उनकी लापरवाही के चलते जो है
अमृतिका की जान गई है, तो इस संबंध में उन्होंने एक थाना प्रभारी के नाम एक शिकायती पत्र दिया है और जिसमें विभागीय अधिकारी को भी उन्होंने प्रतिलिपि दी है, तो उस पर जांच की जाएगी और समुचित जांच के बाद यदि यह तथ्य सामने आता है कि वास्तव में ऐसी लापरवाही बरती गई है या ऐसी मांग पैसों की गई है जिसके कारण ये घटना घटित हुई है, तो उस पर प्रतिवेदन दिया जाएगा जिस पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा। कोरोना काल के प्रारंभ से ही बंद पड़ी जनसुनवाई का दौर आज से शुरू हो चुका है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते इंदौर कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई बंद कर दी गई थी। पहले दिन की जनसुनवाई में नगर निगम, बाल विकास और जमीन से जुड़े 60 आवेदन आए थे। मकानों के अतिक्रमण को लेकर, रोजगार को लेकर के भी मामले सामने आए हैं। जब से कोरोना शुरू हुआ उसके बाद से लगभग फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से पहली बार ये जनसुनवाई प्रारंभ हुई है। लगभग 10 माह बाद जनसुनवाई प्रारंभ हुई है और इस जनसुनवाई में आज 160 आवेदन आए हैं। मुख्य रूप से जो आवेदनों का नेचर है वो इस तरह से हैं कि लोगों ने मकानों पर अतिक्रमण को लेकर के, कई लोगों ने उनको रोजगार उनके समाप्त हुए हैं उसको लेकर के आवेदन दिए हैं। खबर मध्य प्रदेश के शहडोल से, जहां पर बिलासपुर से इलाहाबाद जा रही कृष्णा बस सर्विस के पलट जाने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हलसा ग्राम टेटका के पास हुआ, जहां पर बस पलट जाने से दो लोगों की मौके पर मौत होती है। 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को शहडोल जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पाते ही जैसी नगर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह परिहार अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचते हैं। घटनास्थल पर एसडीएम एसडीओपी के साथ जैसी नगर स्वास्थ्य अमला भी मौके पर पहुंच जाता है। वहीं थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने घायलों को शहडोल के लिए रवाना किया। साथ ही साथ घटनास्थल पर बस में सवार मजदूरों को चाय नाश्ते की व्यवस्था भी करवाई जाती है। सामने में बैठा था, सामने सपोर्ट में था। अब ये लोग थोड़ा से पिया पाया था। कौन पिया रहा? ड्राइवर। अच्छा। हवा में। हाँ। वहीं से गाड़ी बिना आए बाएं भागा। हाँ। अब मैं सामने में था। हाँ। कभी ऐसा। पढ़ाई लिखाई की उम्र में पहली और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले दो मासूम से बच्ची के हाथों में, मध्य प्रदेश में हाथों में जहर का गुटखा है। आपको बताते चले, बच्चे इस छोटी सी उम्र में गुटखा बेचने को मजबूर हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मासूमों के हाथों में जहर की पुड़िया। पढ़ाई लिखाई की उम्र में बेच रहे गुटखा, पेट पालने के लिए फुटपाथ पर बैठे मासूम। पापा क्या करते हैं आपको? पापा काम करते हैं। और मम्मी? मम्मी नहीं है। पेट पालने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन मासूमों की आंखों में झांक कर देखिए, ये मासूम सड़क पर बैठे फुटपाथ पर गुटखा बेच रहे हैं। इन पर किसी का ध्यान नहीं जाता क्योंकि किसी के पास समय नहीं है इन्हें देखने का। आज हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, जरा गौर से देखिएगा इस तस्वीर को। जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई करते हैं उस उम्र में ये मासूम हाथों में जहर की पुड़िया को बेच रहे हैं। ये तस्वीर है राजधानी भोपाल की, जहां पढ़ाई लिखाई की उम्र में पहली और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले दो मासूम मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर फुटपाथ पर गुटखा बेचते नजर आए हैं। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि बच्चों की मां नहीं है, पिता मजदूरी का कार्य करते हैं और मां का निधन हो गया है। मासूम से बच्चे नन्हे नन्हे हाथों से लोगों से उम्मीद की आस लगाए फुटपाथ पर ये कार्य कर रहे हैं। ये हमारी गेट की थी ना, तो ना बेच दिया, वो गई। पापा क्या करते हैं आपको? पापा काम करते हैं। मम्मी नहीं है। कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? पढ़ाई करते आप लोग? कौन सी क्लास? तीसरी। आपका नाम क्या है बेटा? आपका नाम क्या है? नीतू। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ये
पहली में कितने रुपए का बेच लिया? 10-20। हजारों लाखों की तादाद में रोड से लोग निकल रहे हैं। शासन प्रशासन पक्ष विपक्ष सभी लोगों का इस पर ध्यान जा रहा है, मगर इनकी समस्या का समाधान नजर नहीं आ रहा। क्या ये सही है या दो मासूम सी बच्चियां जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, मगर बदकिस्मती से इन मासूमों को फुटपाथ पर अपना पेट पालने के लिए जहर बेचना पड़ रहा है। देश प्रदेश में लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मगर असली सच्चाई तो ये है जो नजर आ रही है। ये तस्वीर अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। भोपाल ब्यूरो की रिपोर्ट। कृषि कानून को लेकर के आज एक बार फिर से सरकार और किसान संगठन के बीच बातचीत होनी है। बुधवार को दोपहर 2 बजे केंद्र सरकार और मंत्रियों के बीच आंदोलन कर रहे 40 किसान संगठनों के नेता 7वें राउंड की बातचीत करने वाले हैं। किसानों ने इस मुलाकात से पहले अपने 4 मुख्य मुद्दे गिना दिए, लेकिन सरकार भी कानून ना वापस लेने के मूड में। ऐसे में इस वार्ता से क्या निष्कर्ष निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। या बातचीत के लिए जाएंगे, पर बातचीत का कोई माहौल नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री और उनके मंत्री साहबान रोज ये बयान देते हैं, ये बहुत बढ़िया बिल है, ये 2 साल के बाद मालूम पड़ेगा। अगर 2 साल के बाद ये बिल अच्छे नहीं लगते तो इसको निरस्त कर दिया जाएगा। अगर ये भी बता रहे हैं कि अब ढांचा रह गया, इसमें सब कुछ निकाल रहा है, जब सब कुछ निकाल रहा है वो ढांचा है, जो ढांचा भी कराने में क्या देर लगती है। बहुत से ऐसे कानून हैं जो बने भी हैं और टूटे भी हैं, ये भी कानून टूटना चाहिए, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो गया है फरियादी सरकार के दरों पर आके दरवाजे पर बैठे हैं, उनकी बात ना सुननी ये एक अपने आप में बहुत बुरी बात है। की लड़ाई जीती है, कतर की लीटी है, यहाँ तक है कि हमने कतर की लड़ाई में 90,000 पाकिस्तानियों को हैंड्स अप करा करके कैदी किया था, और हमें दुख होता है जब हम देखते हैं कि हमें कहते हैं ये आतंकवादी हैं। दो दो लड़ाई लड़के, पहली लड़ाई हमने अनाज से लड़ी, पेट भर दिया, उस टाइम मैं फौज में था, फौज छोड़ के अनाज पैदा किया और भंडार भर दिए इसके। आज 204 लाख टन धान पंजाब ने दिया अकेले ने, मतलब कुल मिला के 60%, लेकिन ये फिर भी कह रहे हैं कि ये आतंकवादी हैं। ये बड़े दुख की बात है, हमें शर्म से सिर नीचा होता है कि क्या बोले मोदी जी को। एक समझदार आदमी, पता नहीं किस अमीर आदमी के पीछे ला करके किस रास्ते को चल पड़ा है, दुख की बात है ये बहुत। देखिए भैया, इस देश को हम ही थाम रहे, हमें इससे प्यार है, जिन्हें बनाया उन्हें इस देश से प्यार ना है। आपको ठंड नहीं लग रही है सुबह सुबह? अरे भैया, हमें ठंड और गर्मी का तो मतलब ही ना, हमने कभी एसी ना देखी। हम तो सीमा पे भी लड़ना है और इस देश का पेट भी भरना है, तो अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, अगर हम योगा नहीं करेंगे तो हम निरोगे कैसे रहेंगे? रोज करते हैं आप? रोज रोज। तो और भी अपने किसान भाइयों को? हाँ, और भी कर रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे सब सीख रहे हैं। यानी कि ठंड का कोई असर नहीं है? कोई रोग नहीं है, लोग कह में है ना उगर और शुगर, हमें ना पता क्या हो रोग। नहीं, ये बताइए ठंड के लिए कोई फर्क? ठंड के लिए तो यही तो है सही, नजला होवे ना जुकाम होवे, के जो देश को मेहनत कर रहे हैं, जो खिला रहे हैं, जो इस देश को थाम रहे हैं। अरे अंग्रेजों से हमने छीना, मुगलों से हमने छीना, हमारे और हमारे बुजुर्ग लड़े हैं और आज भी हम ही घेर रहे हैं। 8 तारीख के बाद आज वार्ता का मौका लगा है, देखते हैं। उम्मीदें तो सभी लोगों को हैं, किसानों को भी उम्मीदें हैं, देश को भी उम्मीद है। सरकार का क्या रुझान रहता है, क्या रुख रहता है, ये वार्ता के बाद पता चलेगा। हम लोग तो ये अपेक्षा करेंगे कि जो पिछले 6 चक्र की वार्ता में सरकार ने अपनी जो एक हठधर्मी दिखाई है, जो एक वार्ता को घुमाने का प्रयास किया है, उससे कुछ आगे निकल के आएंगे। और बार बार ये रट लगाना कि कानून बहुत किसान के फायदे का है, तो लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है इस आंदोलन के दौरान, और की जो इच्छा शक्ति उसके चलते सरकार को समझ में आ गया होगा कि वास्तव में ये फायदे का नहीं नुकसान का है। देखो ही, हम तो कह रहे हैं भगवान सद्बुद्धि दे दे इन्हें, हैं? नहीं देंगे तो अगली प्लानिंग हमारे जो नेता कहेंगे, चाहे 6 महीने लग जाइयो
हम जाएंगे उठ के यहाँ से। जभी आप ये देख रहे हैं सामने, राशन के कोई कमी नहीं है, पकाएंगे खुलाएंगे, हमें घर में भी खाना खाना है, यहाँ भी खाना खाना है, तो कल से आंदोलन को और रफ्तार दी जाएगी। तैयार नहीं, ये जो ऊपर टेंट लगे हुए हैं आप ये समझ लें हापुड़ से भी आगे निकल जाएंगे टेंट लगते लगते हाईवे पे, आप जाके देखियो कल कितना टेंट बढ़ा है, हैं? हमने प्लानिंग अपनी पूरी कर दी है, एक एक जिले से 70-70, 80-80 ट्रैक्टर चलेगा अगर आज नहीं कुछ हुआ तो। कैसे मतलब हित होता तो हम ही नहीं कानूनों को ना मान लेते, ये तो किसानों के बर्बादी के कानून है। ठीक है, किसान कैसे बर्बाद होगा देश का, ये कानून के दायरे में ले आए इसको, वो नहीं मानने का ना देश का किसान मानने का, ये देश के किसानों की लड़ाई है भाई, क्यों ले आए इस तरह के ये बिल। तो ये आखिर कब तक मतलब ये प्रदर्शन आप लोगों का फिर जारी रहेगा, आज की बात से फिर क्या हल निकलेगा? हल आपने कहा था कि दो कदम सरकार चले, दो कदम हम चलेंगे। हम तो चल रहे हैं ना, हम तो गांव से दिल्ली तक आ गए भाई, गांव से हम दिल्ली तक आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो खेत में बीज बोक है और उसका 6 महीने तक इंतजार करते हैं और उसके बाद में वह फसल बर्बाद हो जाती है, फिर अगली फसल का इंतजार करें हम। हम तो 10 साल तक भी उस खेत में खेती करते हैं जहाँ से कोई आमदनी नहीं होती, तो यहाँ तो आए हैं अभी तो 1 महीना हो गया, 1 ही महीना तो हो गया भाई, हम तो गेहूँ बोका आगे, गेहूँ में जब पक जाएगा अप्रैल में, जब ओला पड़ जाएगा गेहूँ ख़त्म भी हो जाता है, तो हम तो 4 महीने का तो उसी का इंतजार करें फसल का ही। ये तो आंदोलन है, अभी तो 1 ही महीना हो गया, इसमें क्या दिक्कत होगी किसी को, कोई परेशान नहीं होता भाई, वो बताओ। बोटा ने फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers